खेलेगा फ्री फायर। वसाना से नमस्ते। नमस्ते। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज मैं जा रहा हूँ इवेंट के अंदर जहाँ पे ये लैंड इवेंट होने वाला है। देखो ये गले में पूरा समझ रहे हो आ चुका है यहाँ पे टैग की, इसको ही देख के एंट्री होगी। यहाँ पे QR कोड भी लगा हुआ है गाइस, ठीक है आपको दिखा देता हूँ मैं। इसके बिना एंट्री नहीं है वहाँ पर। और वहाँ पे जाएंगे हम और किस प्रकार से मस्ती करते हैं, किस प्रकार से नहीं, क्योंकि जो लैंड इवेंट है गाइस वो इंडिया में देख रखे मैंने। वर्ल्ड लेवल पे जो वर्ल्ड सीरीज के जो लैंड इवेंट है सेटअप वो नहीं देख रखा, तो जाके देखते हैं। और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि वो सेटअप किस प्रकार से रहने वाले और कितना ज़्यादा लोग वहाँ पे मैनेजमेंट में काम करते हैं, क्या क्या होते हैं, और बैकेंड में जो मस्ती रहेगी वो भी आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो फटाफट से मेरे भाइयों जल्दी से लाइक कर दोगे फिर आगे बढ़ते व्लॉग के अंदर। चलिए चलते हैं। मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पर खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब नहीं यार ब्रेकफास्ट क्यों बोल रहा हूँ, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर फ्रूट्स खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्रूट्स के अलावा कुछ नहीं खाता हूँ। तो देखते हैं आज मेरे क्या फ्रूट्स है, वही फ्रूट्स मिले सेम गाइस। बट यहाँ के आम भाई, आम इज़ वेरी खतरनाक, समझ रहे हो। तो यहाँ पे उठा लिए मैंने गाइस प्लेट मेरी, और देखो मेरा खाना इधर उधर कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ ये ही है, समझ लो गाइस। ये है मेरी ज़िंदगी जो सुबह नाश्ते में साथ दे रही है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अमित भाई, हेलो श्री भाई कैसे हो, जॉन्टी भाई, पवन सर, ब्रेकफास्ट इधर, मैं भी करके आ चुका हूँ ब्रेकफास्ट। यस आम, आम तो चीज़ है, पहले व्लॉग में तारीफ कर चुका हूँ आते आते, मैं खा के आ गया अंदर, मेरे को लगा आप लोग खा के सब लोग चले गए। ऐसा है क्या, खास उड़ लूँगा कि लेके आ पाओगे, यही होता है ऐसे दिल्ली वाले उड़ना हूँ। आप ये तो होशियारी मेरे साथ कर रहे बोली बेटा मस्ते नहीं। तो गाइस देखो आप लोग मेरे को तो जानते होंगे, लेकिन ये भाई जो गेमर्स होने वाले हैं उनके लिए भाई सुपर स्टार की ये बंदा आया कैसे, मिस्ट्री है ये, मिस्ट्री कब खोल ली है, बहुत जल्दी जल्द करेंगे मुझे यार, तुम बोलोगे अभी नहीं अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइस देखते हैं इनका नाम आपको पता ही होगा, कमेंट करके बताओ गाइस इस बात, ठीक है ये जरूर कमेंट करना। और अभी हम लोग जा रहे हैं देखो सब लोग उधर अपना बसेस के अंदर, आज होने वाला गाइस रस्ट पॉइंट। तो दोस्तों देखो अभी हम जा रहे हैं और यहाँ का लेफ्ट साइड बस वाले ड्राइवर भैया हमारे रेडी है, देखो एकदम चश्मा लगा के भाई, वो भी ब्लैक गॉगल्स यार, ये बंदा उड़ा उड़ा रहे थे बस को, हैं क्या बोलते हो भाई, बस को उड़ा दी तो उसने। तो यहाँ पे हमारे बंदे पीछे की तरफ पोजीशन लेते हुए अपनी अपनी। और जोंटी भाई ये मटक मटक के क्यों चल रहे हो तुम आज, ये ये गाइस यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये इवेंट होने वाला है रस पॉइंट, देखते हैं कौन जीतने वाला है। यहाँ पे चेकिंग होके हमारी एंट्री हो जाएगी। ये यहाँ पे जाइंट वाह भाई होने वाले हैं, मतलब जैसा नाम है वैसा काम भी है इनका, और इन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी, लाइक इनको लिटिल बिट इंग्लिश आती है और ये बहुत कोऑपरेटिव है, इन्होंने मुझे वेज नॉन वेज क्या बोलते हो एक भाई सब कुछ बताया इन्होंने। और ये इनके बेस्ट फ्रेंड होने वाले हैं, और बट इनसे कोऑर्डिनेट करके ये हमको पूरा जुगाड़ कर देते हैं। देखो गाइस गाइस और साइज देखो ओ झूला झुलाया जा रहा है, झूला झुलाया जा रहा है गाइस। यहाँ पे देख सकते हो शूट चल रहा है टीम का, बिहाइंड द शूट्स वगैरह, और सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। जैसे इवेंट हो रहा है आप देख सकते हो कितनी बैकएंड में काम यहाँ पे होता है, देख सकते हो आप इधर पूरे लोग है गाइस इधर, और इतने सारे साउंड बॉक्सेस रखे हुए हैं यहाँ पर, और इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं ना, शायद मैंने पहली बार इतने इक्विपमेंट्स देखे हैं, क्योंकि लैंड इवेंट मैंने कभी इतने बड़े लेवल पे वर्ल्ड सीरीज होते हुए देखी नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ है गाइस, अलग ऑफिसेज यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, ये देखो गाइस पूरा बैकएंड में देख सकते हो कितने लोग यहाँ पे डिस्प्ले संभालते हुए, हर चीज़ पे मॉनिटरिंग रखी हुई है, तो अलग लेवल पे मेरे को सब चीज़ें दिख रही हैं गाइस, समझ रहे हो, मैं काफ़ी खुश हूँ। आपने सब देखा ये कैली का रूम होने वाला है, और जैसे रूम की बारी आई ना गाइस, देखो दो क्रिएटर अंदर घुस चुके हैं कैली से मिलने के लिए, और अंदर कैली बेचारी देख रही है, वो भी सामने फोटो खींच रही है कि व्लॉगिंग की चल रही है करके, वो भी शूट कर रही है कि ऐसा नहीं चलेगा कि कोई शूट कर सकता है अकेले। लेकिन गाइस कैली कुछ भी बोलो मेरा तो पहला प्यार है फ्री फायर गाइस, जब से कैली आई थी ना
तो तब से शायद मैं कैली को लेके खेल रहा हूँ और लिटरली मैं अपनी लाइफ स्ट्रीम में बोलता हूँ कि कैली इज माय फर्स्ट लव। गाइस तो फाइनली पानी पीने आया था मैं अरीना में। माँ कसम राजू बहुत किल्लत है पानी की। बात तो सच है। क्या कैसे भाई 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 पानी दे दो भाई। हम चार जने पानी पीने आए। पहले तो उनको समझाने में थोड़ा लगता है, अब मैं यूं करता हूँ तो समझते हैं वो दूसरा टाइप। तो मैंने जब पूछा ना कि तुम नो ये हाँ नहीं करना है, ये चीजें यहाँ अलाउड नहीं है। तो मैंने उसको बोला वाटर, तो वो समझी बियर। नो, तो मैंने बोला, फिर मैंने बोतल दिखाई वाटर। या हाँ देखो दोस्तों, और यहाँ पे कास्टर रहने वाली गाइस, यहाँ से कास्टिंग चल रही है और यहाँ से पूरे ये सेटअप सेटअप गजब है ना गाइस। देखो दोस्तों पास से कैसे मैच चल रहा है, जो टीम एलिमिनेट हो चुकी है उनका एलिमिनेशन और वहाँ पे फाइट चल रही है। और गाइस ये फाइट आई थिंक ब्रू की स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे चार किल खाते में कर रखे है, वसाना ने दो किल कर रखे गाइस यहाँ पे, समझ रहे हो, दो किल मोशी के, दोनों ही यहाँ पे आग उगलते हुए। फील ये लगा रही गाइस, ये देखो अभी बुरिया होने वाला है गाइस। अभी यहाँ से वापस आ रहे हैं हम होटल की तरफ, क्योंकि भूख लग रही है, लंच मुझे खाना भी ऑर्डर करना है और वो काफी दूर से आएगा गाइस। तो अभी सब लोग हम यहाँ पे बैठ चुके हैं, सब कुछ इधर बैठ चुके हैं, तो अभी चलते हैं गाइस होटल की तरफ। हमारा यहाँ पे खाना आ चुका है दोस्तों, कोहिनूर आ चुका है, कोहिनूर से हमारा खाना भी आएगा गाइस। तो अब जाएंगे और खाएंगे इस खाने को। यहाँ पर खाना भूरा है, बट जो खाना यहाँ पर है वो हमको हजम ही नहीं होता और ये चीज़ है। बिल्कुल वो खाना हमारे लायक ही नहीं है, यहाँ के लिए तो वो फाइव स्टार खाना है, हमारे लिए अब इंडियन खाना बेस्ट है। तो गाइस देखो हम लोग पहले आ चुके थे, सारे प्लेयर्स आ रहे के करके बस में, और जो आ चुके गेम के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, गेम चल रहा है यहाँ पर, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस भी चल रही है, तो तुरंत प्लेयर्स लगे रहते हैं गाइस। अभी अभी रस पॉइंट ख़त्म हुआ है और देख सकते हो यहाँ पे गेम चले जाए। यहाँ पे देखो एमवीपी सामने आ चुका है, से हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते वसाना से नमस्ते नमस्ते फोर्थ सो बाय बेस्ट ऑफ लक फॉर ग्रैंड फाइनल, कल का तो ऐसे हो जाएगा ठीक है। इंतहा हो गई इंतजार की, आए ना कुछ खबर डीजे आलोक की, समझ रहे हो गाइस। मतलब अभी देखो मैंने आपको दिखाया नीचे, आज रेस्पॉन्ड खत्म हुआ, मोसे के हाथ में एमवीपी का मुझे बटन देखने को, वो टाइटल देखने को मिला, बटन बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब के प्ले बटन के आजकल बटन ही निकलता है, तो टाइटल देखने को मिला, मैच खत्म हो गया, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि डीजे आलोक से मिलने जाना है, लेकिन भाई वो इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा भाई। भाई फाइनली वो टाइम आ गया गाइज कि बस वापस से आ चुकी है, इतना वेट किया यार मैं, थक गया हूँ, मुझे पूरी नींद चढ़ रही है, लेकिन डीजे आलोक से मिलने जाना है ना, तो जाना ही पड़ेगा दोस्तों। आई थी यहाँ पे सब लोग अभी बैठ के वेट कर रहे हैं इधर कि डीजे अक्सर वहाँ से फ्री होंगे, उसके बाद आएंगे अपने पास में मिलने के लिए। कितने देर में निकलेंगे वैसे, क्या लगता है तेरे को? मेरे को तो टाइम हमारा तो फिक्स हुआ ना 30 मिनट का। 30 मिनट का पर्सनल ना? नहीं 30 मिनट में कितने क्रिएटर सब के सब कितने क्रिएटर बता ना, 30 मिनट में 50 करोड़। यहाँ पे डांस सिखाया जा रहा है गाइस, समझ रहे हो, वहाँ पे कोई थाईलैंड का टिकटॉकर है गाइस जो यहाँ पे आया हुआ है और टिकटॉक रील बनाई जा रही है यहाँ पर, बहुत पॉपुलर टिकटॉकर बिल्कुल, और यहाँ पे पॉपुलर टिकटॉकर है और अमित भाई बिल्कुल साइड में आके एंजॉय करना चाह रहे हैं कि आओ महफिल लगाया जाए, क्या बोलते अमित भाई? मैं देख रहा था कि ये लोग छपरी बंदी करेंगे टाइम आउट वही चीज है। तो देखो ईयर ईयर हेड व्हाई यू डोंट नो मी दिस लोग तो गो प्लीज इट्स अ हार्ड पिक्चर वाले 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 हो
तो दोस्तों पता है ना ये गाना मैं क्यों गा रहा हूँ, क्योंकि मैं फाइनली डीजे लोग सर से मिलने जा रहा हूँ यार, अपने फ्री फायर के पहले करेक्टर, और यार लिटरली उनसे मिलना ना लाइक ए ड्रीम, और ये ड्रीम थैंक यू सो मच ग्रेना ये ड्रीम पूरा करने के लिए। तो गाइज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उनसे मिलने के लिए, और यहाँ पे हमने फाइनली डीजे आलोक सर को हग किया, और थोड़ी देर बाद हमको पवन सर ने इंट्रो कराया। ही इज बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन क्रिएटर विद 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, एंड अजय इज अ ई-स्पोर्ट्स एथलीट फ्रॉम इंडिया। ही इज एन ई-स्पोर्ट एथलीट वासियो जॉन्टी इज एन ई-स्पोर्ट एथलीट, एंड दिस विवेक एंड श्रीजीत आलोक सर से एक चीज करवाऊं, वे 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 पॉपुलर खेलेगा फ्री फायर बुलवा दो अभी। सर वन वर्ड से, ऑफ कोर्स यू से खेलेगा फ्री फायर, कौन खेलेगा फ्री फायर, खेलेगा 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 व्हाट इज खेलेगा, खेलेगा 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 फ्री फायर। ओ माय गॉड वाओ, तो गाइस डीजे आलोक सर से भी हमने करा दिया है खेलेगा फ्री फायर, खेलेगा फ्री फायर। यार यकीन नहीं हो रहा है यार, मतलब समझ रहे हो, जो फर्स्ट करेक्टर था एक्टिव स्किल जिसको लेके सब लोगों ने खेला डीजे आलोक सर, मतलब समझ रहे हो गाइस, भाई मैं पागल हो गया हूँ गाइस, इतना एक्साइटेड हो चुका था ना मैं कि मैं अपना बैग भूल के आ गया उनके रूम में, और सिक्योरिटी रहने वाली मुझे फिर से जाना पड़ेगा उनसे बैग लेने के लिए, मुझे मेरा बैग दे दीजिए। गाइस आज हम लोग जानते हैं हम डीजे आलोक से मिल के आए हैं, और जी भाई बिल्कुल सर दिल पे हाथ रख के बोलना, व्हाट इज योर रिएक्शन, मतलब वो बंदा इतना डाउन टू अर्थ था ना, उसने बहुत टाइम लिया, आप बताओ भाई, मैंने सबका फोटो क्लिक किया, रील बना दिया मैंने, भाई क्रेडिट मुझे चाहिए, ठीक है आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताए और फिर रिएक्शन बताओ। मेरी शक्ल पे देखा मैं रिएक्शन, यार मैं कुछ अभी ना सोच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि लिटरली ना इतना ज़्यादा टाइम मिला है ना हम लोगों को, और इतना कंटेंट भी शूट किया, और बिल्कुल डाउन टू अर्थ यार, मतलब सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा होगा, तो काफ़ी मज़ा आया गाइस, मतलब एक ही चीज़ को सात लोगों के साथ कर रहा था वो, मतलब और रीटेक भी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को बड़ा चढ़ा के हमको कंटेंट का मौका मिला बल्कि नहीं बोल रहे, बट उस बंदे ने सातों लोगों को इक्वली टाइम दिया, हर बंदे को पाँच पाँच मिनट दिया होगा, आधे घंटे उसने प्रॉपर हम लोगों को दिया है, दैट वाज ग्रेट यार। यस सर, तुमको फ्री फायर वालों ने एज अ कंटेंट क्रिएटर लाया है, यस एज अ ई स्पोर्ट्स एथलीट, आपका काम है हम लोगों को कवर करना, आपको एक्सपोजर देना, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, क्या कर रहे हो तुम सर, आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो अभी ये बताओ मेरे को, हम जब रूम से निकलते हैं यस फुल पहुंच जाइए, ओके उसके बाद हम लोग खेलते हैं, कहते हैं लोन वुल्फ, लोन वुल्फ ओके, जाते हैं सोशल आइलैंड में, यस उसके बाद जाते हैं ट्रेनिंग में, यस और वहां पर हम लोग यूज करते हैं सोनिया दिमित्री ओरियन, फिर तो आप पक्का जीतने वाले हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी है गाइस, यहाँ पे जितने प्लेयर्स देखो यहाँ पे बाहर के प्लेयर्स भी जा रहे हैं, हमारे साथ में इंडोनेशियन टीम होने वाली है, भाई झूठ बोल रहा है, एक भी प्लेयर है यहाँ पर नहीं है, सब इन्फ्लुएंसर है सर, मेरा व्लॉग में क्यों ऐसे कर रहे हो सर, गाइस कोई बात नहीं इन्फ्लुएंसर समझ लो, ये देखो गाइस वो प्लेयर है ना, मैं इन्फ्लुएंस की बात कर रहा था अमित भाई, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कबीना है, जी 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 आंखें देखो नियत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। आज दोस्तों सारी अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है, मतलब जो चीज सोची नहीं वो चीज हो गई, डीजे आलोक से मिल लिए, और वो भी बहुत बेहतरीन समय के साथ में, मतलब फोटो डायलॉग्स एवरीथिंग सब कुछ हम लोग कर सकते थे, तो दिन काफ़ी अप्स एंड डाउन भरा रहा, थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई मेरी बीच में, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था वहाँ पर डीजे आलोक सर के पास में, मैं थोड़ा शांत खड़ा हुआ था। उसके अलावा मुझे गिफ्ट हैम्पर मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो कि ग्रेना की तरफ से रहने वाला है फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज़ के अंदर, मैंने सारा सामान निकाल दिया है, तो इसका अगर आपको देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स आ चुकी है, तो फटाफट जाओ जाके वो रील चेक करो कि मुझे ग्रेना वर्ल्ड सीरीज़ की तरफ से, मतलब फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज जो चल रहा है अभी यहाँ पर, इसकी तरफ से मुझे क्या चीज़ मिली है गिफ्ट टेम्पर में क्या नहीं, तो जाओ इंस्टाग्राम पे चेक करो, तब तक के लिए नेक्स्ट वो के लिए गुड नाइट्स एंड बाय बाय।